जी का जो शहर है वो काफी एक बार रात को रोमर गर्मी के भूकंप आ रहा है, रात को भूकंप के मैदान में और सब क्षेत्र में एक छोटी सी मैदानी, तो आप समझ सकते हैं आप तो खैर गुंडा में पहाड़ी काफी मैदानी इलाका है, यहाँ पर ज्यादा खतरों में आपदा की कोई परिस्थितियां पैदा हो जाती है, भूकंप वगैरह हो जाता है, तो किस प्रकार से बच्चों को सेफ्टी से सुरक्षा तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो मेरा सभी अध्यापक बंधुओं से निवेदन रहेगा कि आप कृपा करके इसको सीरियसली लें, गंभीरता से लें, और जो भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी चाहे वो आपदा प्रबंधन से तरीके से हो, चाहे वो फायर फाइटिंग आग बुझाने के तरीके को लेके हो, यहाँ पर बहुत सारे बीएसएफ के लोग भी आए हुए हैं, इनका एक्सपीरियंस भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, स्कूलों में लगाए तो है लेकिन शायद उन्होंने इक्विपमेंट का जो है हम लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, तो कृपा करके आप लोग ये भी जान लें कि यह चीज स्कूल में वायदा है गुना खासा आग ले जाती है, कैसे आप उस आग को काबू पा सकते हैं, या भूकंप होता है तो बच्चों को कैसे आप लोग जो है वो सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग से बाहर खुले में ला सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर वे होना चाहिए, और कहा है कैसे कैसे है, कहाँ से उसकी इनकमिंग है, ऊपर को आने का बच्चों को जाने का रास्ता क्या, और उसका अगर भूकंप आ जाता है बच्चे कहाँ से निकलेंगे, कौन से क्लास कहाँ से आएगी, कौन सी क्लास कहाँ से आएगी, ये सारा जो नियोजन है वो हम लोगों को स्कूल लेवल पे करना होगा।